दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे इस गेमिंग चेयर के बारे में। ठीक है यार, आप में से ना काफ़ी लोग सोचते होंगे यार गेमिंग चेयर लेने का। तो अभी आप देख सकते हो मेरे सामने भी ये मेरा एक गेमिंग चेयर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे को ना बढ़िया लगा था। मैं इसको लगभग 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ शायद, या 1.5 या 2 साल से, जितने भी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी बढ़िया लगा है मुझे। थोड़ा सा पानी पी लो यार। तो यार ये है मेरा गेमिंग चेयर, ड्रोगो कंपनी का है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो गेमिंग चेयर है ना, ये मेरे को पड़ा था लगभग लगभग 16,500 रुपये का। मैंने उस टाइम पे फ्लिपकार्ट से इसको मंगवाया था, और आई थिंक अभी 2-3 महीने में ना ये 2 साल का हो जाएगा, मतलब 2 साल इसको हो जाएंगे लिए हुए। अभी आप देख सकते हो ये व्हील्स वाला चेयर है जो ऐसे है, और काफ़ी मेरे को बढ़िया लगता है यार ये, समझ रहे हो। इसमें ना इसमें क्या होता है, जैसे ये फुट आर्म रेस्ट है, तो इसको हम ना रिक्लाइन कर सकते हैं, अप डाउन ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे एडजस्ट करना हो ना एडजस्ट, इसको हम कर सकते हैं, दोनों को कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें पता है इसमें ख़ास बात क्या है, ये जो बैक के लिए जो हमें ये कुशन मिलता है ना, इसके अंदर एक वो है, बेसिकली मसाजर है, जिसकी वायर यहाँ पे है, वायर है। तो इस वायर से हम ना अपना पावर बैंक कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो अडेप्टर होता है ना फ़ोन का, उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से मसाज होता है पीठ में, मतलब बैक में बेसिकली। तो काफ़ी सही चीज़ है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हो ना चेयर पे, तो आपको मसाजर की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर ये तो खैर आपकी अपनी भी चॉइस हो सकती है। बाकी अगर मैं इसका मटेरियल की बात करूँ, तो भाई इसका कुशन काफ़ी बढ़िया है। इसको मैं ना लगभग 2-3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू बैठ के इस पर शूट करता हूँ, मतलब शूट नहीं करता हूँ, शूट तो करता ही हूँ, साथ में जैसे मुझे एडिट वगैरह करना होता है, वो रहा मेरा सिस्टम, एडिट वगैरह करना होता है ना, तो मैं वो चीज़ करता हूँ, और मतलब काफ़ी बढ़िया है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता मुझे, कोई दिक्कत नहीं होती। और आप देख सकते हो पीछे जो है ना, पीछे से भी ये काफ़ी बढ़िया है, मतलब दिखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हो ये जो है ना, ये इसके स्ट्रैप है, और दिखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। और ये जो है, ये है हमारा नेक पिलो, ये भी काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी सही है, समझ रहे हो। और इसमें ना मुझे एक चीज़ और मिलती है, जो होता है फुट रेस्ट। ठीक है, बाकी आपको बाकी के चेयर्स में नहीं मिल पाता है फुट रेस्ट, इसमें मुझे जो है फुट रेस्ट भी मिला हुआ था, जिसका नट बोल्ट अभी शायद निकल चुका है। और देखो फुट रेस्ट जो है ये गिर गया, क्योंकि इसका नट निकल चुका है, तो इसको भी मैं जो है एडजस्ट करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, और बाकी आप देख सकते हो यार ये चेयर कुछ ऐसा है, काफ़ी तगड़ा है यार। अगर आप लोग भी सोच रहे हो ना गेमिंग चेयर लेने का, तो डेफ़िनेटली इस वाले ड्रोगो के चेयर को भी ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास और भी कोई चेयर है तो आप उसको भी ले सकते हो।